का कॉटन जबरदस्त माहौल बना हुआ है और आपने तो आज सुबह सुबह ही अरविंद भी दिया है और टेक्सटाइल स्टॉक्स पे माहौल बना हुआ है, पीएलआई की न्यूज है और पिछले 3-4-5 दिनों से टेक्सटाइल स्टॉक्स में काफी माहौल बना हुआ और इनफैक्ट जब लास्ट जब भी बात हो रही थी, आई थिंक मंडे को बात हो रही थी, तो इनफैक्ट डॉलर की बात हो रही थी, लक्स की बात हो रही थी या फिर सियाराम सिल्क मिल्स बताया, वर्धमान टेक्सटाइल्स, इस सेगमेंट में से एक स्टॉक्स पहले भी लाए गए हैं और सभी ऑलमोस्ट बताए गए हैं और ये स्टॉक भी मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स है और ये पहले मैंने जब दिया था तो उस दिन मुझे सबसे पहले राकेश जी ने अवगत करवाया था कि कैटामरान नारायण मूर्ति जी का भी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में रहा हुआ है। मैं उस दिन बोलना भूल गया था जब मैंने पहली बार इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा था, तो मैं इसलिए मुझे वो स्टोरी याद है और पहले नारायण मूर्ति जी के जो कैटामरान एडवाइजर्स है वो भी इसमें इन्वेस्टेड हुआ करती थी। अब ओवरऑल मैं इस कंपनी के बारे में पेडिग्री के बारे में बात करूंगा, बहुत ही अच्छी पेडिग्री है, कोयम्बतूर में इनकी ये कंपनी कोयम्बतूर की है और कॉम्पैक्ट और एलिट्विस्ट कॉटन यार्न बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है, होजेरी और वीविंग के लिए काम आती है और होजेरी तो देखिए ऑलरेडी ये सेगमेंट हॉट हो रखा है, जो भी होजेरी की कंपनीज है उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में और ये कई चीजों में यूनिक है और ये काफी प्रेफर्ड अपना वेंडर है कई जो भी लीडिंग ब्रांड्स है वर्ल्ड की और इंडिया की भी, और जिस तरीके से फंडामेंटल्स है वो बहुत ही माउथ वाटरिंग फंडामेंटल्स है। 8-8.5 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है, 9 के मान लीजिए, और सबसे बढ़िया बात ये है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17-18 का है और जीरो डेट कंपनी है। टेक्सटाइल्स में जीरो डेट कंपनियां ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है और ओपीएम्स बहुत स्ट्रांग ओपीएम्स पे काम कर रही है, 23% का ओपीएम और फिर मैं पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर देख रहा था तो वो भी 9-10% के लगभग है और अपने बुक वैल्यू को अगर देखें तो बुक वैल्यू से कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 1.55 टाइम चल रहा है और जून का क्वार्टर बहुत ही बेहतरीन था, 5 करोड़ का पिछले जून में पैट था जो कि लाजमी था कि कम होना, बट जनरली ये 12-13-14-15 करोड़ के नीचे कमाती थी, बट इस बार पिछले 3 क्वार्टर में 21 करोड़, 29 करोड़ और 36 करोड़, मतलब इस जून 2021 में 36 करोड़ का पैट, जो टीटीएम बेसिस पे 133 करोड़ का पैट लाइफ टाइम हाईएस्ट है, तो कंपनी अपने एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस के उस पे चल रही है। छोटी इक्विटी है, 6 करोड़ की इक्विटी है इसलिए भाव भी ऐसे दिखते हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से टेक्सटाइल्स में माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से पीएलआईज और ये सब के बेनिफिशियरीज ये सब रहेंगे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। ऊपर का लेवल ये 1732 का दिखाया हुआ है, उसके सामने करेक्ट हुआ हुआ है, तो मुझे लगता है कि आराम से इस स्टॉक को 1725-30 के लेवल्स के लिए खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर।